फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इमली की चटनी बनाने चल रहे हैं। तो हमने 100 ग्राम इमली लिया था, इसको हम आधा घंटा तक भिगा लिए हैं। इमली हमारी ये फूल गई है, इसको हम अब क्या कहते हैं जाली और बीज इसका निकाल दे रहे हैं इस तरीके से हम इसको करके पूरा जाली बीज निकाल के, ये देखिए फूल गई थी इमली हमारी। ये हम इस तरह इसको इमली को इसमें मीज लिए हैं, तो इसका अब छान लेते हैं, इसका जाली और बिया निकल जाए। तो इसमें हम पानी भी नहीं डाले हैं, इसको इस तरीके से हम चालेंगे। इसी तरीके से अच्छे से चाल लेते हैं तो इसका अच्छे से निकल जाए। ये देखिए नीचे गाढ़ा गाढ़ा निकल रहा है। अभी पानी हम इसमें डालेंगे, पहले इसको मीज लेते हैं। इसको अभी हम पानी डाले हैं हल्का सा, तो इसको हम इस तरह से और मीज ले रहे हैं। अब इसको हम छान ले रहे हैं। ये हमारा अच्छी तरीके से छन गया है। इसमें भी हम थोड़ा पानी और डालेंगे। ये हम इस तरीके से इसको छान लिए हैं, तो ये हमारा ज़्यादा ना पतला है ना गाढ़ा, इसमें हम पानी मिला लिए हैं। अब ऊपर से हमको पानी नहीं मिलाना है, इसको चल हम बनाने। हम इधर पैन रख दिए हैं, थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं। इसमें एक चुटकी हम हींग डाल रहे हैं। एक छोटा चम्मच हमारा पचफोरन मसाला है, इसको हम डाल रहे हैं। इसको हम मिलाएंगे, अच्छे से भूनेंगे। भून लिए हैं पचफोरन, अब हम इसको डाल दे रहे हैं इमली को। इमली को इस तरह हम पकाएंगे। अभी इसमें हम अलग से पानी नहीं डालेंगे, पानी हम डाले हैं। ये इतना हम गुड़ डाल रहे हैं, इसमें एक बेली है लगभग हमारा। और इसमें हम लिए हैं थोड़ा सा लहसुन है हमारा और अदरक है, इसको हम डाल रहे हैं। इसका स्वाद बढ़ जाता है इसको मिलाने से। इसमें भी हम चीनी ऐड करेंगे। तो हम गुड़ पहले से ले लिए हैं, तो ज़्यादा चीनी नहीं मिलाएंगे। ये 3-4 चम्मच हम चीनी निकालें, इसको मिलाएंगे। इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे गाढ़ा होने तक। मीडियम इसमें हम चटनी में मिलाने के लिए 1 छोटा चम्मच जीरा लिए हैं और सौंफ है हमारा, इसको हम भूंज ले रहे हैं। भूंज के दरबरा पीसेंगे इसको हम। ये चटनी हमारी पक रही है, तो इसको हम अभी काफ़ी देर पकाएंगे गाढ़ा होने तक। तब तक मसाला हम भूंज के तैयार कर लेते हैं। इसमें ये हम इसमें भी 1/2 छोटा चम्मच मिर्चा डालेंगे, तो खट्टी मीठी हमारी चटनी है, तो चीनी हमने मिला दिया। ये दरबरा कुटा हुआ हमारा मिर्चा है। और इसमें जो हमने जीरा और सौंफ भूंजा था उसको हम मिला रहे हैं, दरबरा पीसे हुए थे। इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अभी हम थोड़ी देर और पकाएंगे इसको। अभी हम ये देख लीजिए, इस तरह से हमारी चटनी बन गई है। अब इसको हम प्लेट में निकाल रहे हैं। आप इसको दही बड़ा के साथ, समोसे के साथ, किसी चीज़ के साथ बना के खा सकते हैं। और ये चटनी हम काफ़ी दिन तक रख भी सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी फ्रिज में। और ये बहुत ही स्वादिष्ट है खट्टी मीठी चटनी हमारी इमली की। ये हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है, देख लीजिए। देखने में भी सुंदर है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। आप लोग का अगर मेरा तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।